प्रदेश के सहारनपुर से जैश ए मोहम्मद और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की पूछताछ में आतंकी नदीम ने बताया उसे जैश की ओर से बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया गया था। एटीएस का कहना है कि सूचना मिली थी कि गांव कुंडा कला थाना गंगो सहारनपुर में एक युवक जेईएम और टीटीपी की विचारधारा से प्रभावित होकर फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद युवक को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद उसके मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। 8 अगस्त को एटीएस ने नदीम और उसके भाई तैमूर को पकड़ कर ले गई थी। तैमूर भी अभी एटीएस की गिरफ्त में है। जांच पड़ताल में पता चला है कि आतंकी की पाकिस्तान में दो बुआ रहती हैं। यह रिश्तेदारी की आड़ में ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान जाना चाहता था। नदीम के 5 भाई और 2 बहनें हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, पूरा परिवार किसान है। नदीम मूल रूप से सरसावा के गांव ढिक्का कला का रहने वाला है। उसके पास 50 बीघा कृषि भूमि है। यूपी एटीएस के अधिकारी ने बताया आतंकी मोहम्मद नदीम तहरीक ए तालिबान आतंकी संगठन के सैफुल्ला से फिदाइन हमले की तैयारी करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए ट्रेनिंग ले रहा था। उन्होंने बताया वह किसी सरकारी भवन या पुलिस परिसर पर फिदाइन हमला करने की फिराक में था। नदीम को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय जैश ए मोहम्मद और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान बुला रहे थे। वह मिस्र के जरिए सीरिया और अफगानिस्तान जाने की भी योजना बना रहा था। यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला कि नदीम जेईएम और टीटीपी की विचारधारा से प्रभावित होकर फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था। आतंकी के मोबाइल से एक पीडीएफ भी मिला है जिसका शीर्षक एक्सप्लोसिव कोर्स फिदाई फोर्स है। उसके फोन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जेईएम और टीटीपी के आतंकियों के साथ चैट के अलावा वॉइस मैसेज भी मिले हैं। इससे पहले आजमगढ़ से एटीएस ने आईएस आतंकी सबाउद्दीन आजमी को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एटीएस के मुताबिक सबाउद्दीन की साजिश स्वतंत्रता दिवस के पहले धमाके की थी। सबाउद्दीन आईएसआईएस के रिक्रूटर से सीधे संपर्क में था। एटीएस ने उससे आईईडी बनाने का सामान भी बरामद किया था। मदरसा छात्र फारूक देवबंद में रहकर लगातार आतंकी संगठन आईएसआईएस के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा था। वह आतंकियों से दिशा निर्देश ले रहा था। एनआईए और यूपी एटीएस की टीम 31 जुलाई को सुबह करीब 4 बजे देवबंद पहुंची थी। मदरसे में छापेमारी कर युवक फारूक को हिरासत में लिया था। देवबंद के मदरसे में रह रहे बेंगलुर के छात्र फारूक से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फारूक कई भाषाओं का जानकार है। वह आतंकी साहित्य का अनुवाद किया करता था। पहले भी यहां से कई आतंकी पकड़े गए। 14 मार्च 2021 को एटीएस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया था। सहारनपुर के नदीम कॉलोनी से बांग्लादेशी तनवीर और उसके पिता उमर मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया था। थाना मंडी क्षेत्र से भी 2 बांग्लादेशी भाइयों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें हाल ही में अदालत सजा सुनाई है। फरवरी 2019 में 5 बांग्लादेशियों को देवबंद से पकड़ा गया था। 2016 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी एजाज शेख को पकड़ा था। साल 2010 में पाकिस्तानी जासूस शाहिद उर्फ इकबाल भट्टी को पटियाला पुलिस ने हकीकत नगर से गिरफ्तार किया। इकबाल भट्ट देवराज सहगल के नाम से यहां रह रहा था। अयोध्या में हुए बम विस्फोट में सहारनपुर के तीतरो निवासी डॉक्टर इरफान को पकड़ा गया था। साल 2001 में आतंकी गतिविधियों के चलते मुफ्ती इसरार को पकड़ा था।